वैसे भाई जो सवाल आप लोगों से पूछते हैं जी जी, आज आप उनके जवाब दें। जरूर जरूर, सेम आपके सवाल हमने उठाए। अरे आप, और हमने कहा जी आप जिस मर्जी के उठाएं, मुझे कोई मसला नहीं। जहाज की दो टिकट हैं आपके पास? जी सर, एक तो आपकी अपनी है, बिल्कुल, दूसरी आपने किसी एक को देनी है। और इकोनॉमी है, बिजनेस क्लास है, बिजनेस कर लें। चले, आपके लिए बिजनेस क्लास, ठीक है। फिर दोस्त आशिक अमान, ठीक है, अजमा बुखारी, जरताज गुल, अजमा बुखारी, अजमा बुखारी को, क्योंकि अजमा आपा से मेरी जरा बातचीत है अच्छी, और इतनी बार उनका इंटरव्यू किया हुआ इतना, तो वो मेरे ख्याल से मैं कुछ अरसे तक बात कर पाऊंगा, और उसके बाद मैं जब उन्हें कहूंगा कि अजमा बाजी मैं अब सोने लगा हूं, तो वो आराम से मान जाएंगी, और वो उसके बाद कुछ नहीं वो भी सो जाएंगी। ठीक है, तो वो मुझे आराम से रहते, इसलिए मुझे लगता है कि अजमा जी से मैं आराम से कर लूंगा ट्रैवल। वासे भाई, इनमें से किसकी बायोग्राफी आप पढ़ना पसंद करेंगे? जी, नवाज शरीफ, इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान? नवाज शरीफ साहब की। अच्छा, क्योंकि इमरान खान साहब की मैंने पढ़ी हुई है, उनकी बड़ी है। दो तीन बार आ चुकी मियां एडिशन उसके में। नहीं, तो ना भी दे दो मसला नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी मैं मियां साहब की पढ़ना चाहूंगा, आई थिंक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बायोग्राफी होगी। और मौलाना को आप बिल्कुल नहीं पढ़ना? नहीं, मौलाना में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बस ठीक है, अच्छी बात है। आप एक होटल में खाना खाने गए हैं जी, और आपके पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है। आपका सवाल अच्छी तरह पता है, आपका ही अपना ही सवाल है, किसको कॉल करेंगे? हमायों सईद, खलील रहमान कमर, हमजा अली अब्बासी? वजह तो नहीं बतानी पड़ेगी, या बताऊंगा वजह भी? वजह भी बताएं। खलील, हमजा अली वासी को? अच्छा, नहीं बल्कि रुक जाएं, बड़ा आपने गलत है, मुझे रियलाइज हुआ है, हमजा ने तो फोन ही नहीं उठाना। अच्छा, हाँ उसने फोन नहीं उठाना। अच्छा, खलील साहब का भी पता नहीं किस टाइम पे वो उस वक्त हो या ना हो, फोन उठा लेंगे वो, उन्होंने आगे से मेरी बेइज्जती करनी है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम बगैर चेक किए कैसे चले गए। हमायों भाई जो है वो, वैसे हमायों भाई को कर दूंगा, ऑल दो उनके अपने पास पैसे नहीं होने, मगर वो कहीं ना कहीं से अरेंज करवा देंगे। तो मेरे ख्याल से हमायों सही सही रहेंगे। चले ठीक हो गया। और वैसे भाई, वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए किसके इंतखाब करेंगे? दो ही ऑप्शन है वर्ल्ड टूर पे। हाँ जी, दो ही ऑप्शन, मथीरा और फिर दोसा शिकवान। ये मुश्किल लाए आप, कुछ जनरल नॉलेज नहीं इसके अंदर? जनरल नॉलेज है, वो हमने अपनी तरफ से इतना मुश्किल निकाला कि आपको ना आए। अच्छा, अगर आप कहते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन पूछ ले, वैसे फिर मैं वापस आ जाऊंगा इस पे अगर ना आया तो। चले चले पूछ लेते हैं जी, मैंने ये जनरल नॉलेज के सवाल मैंने कुछ नोट किए हुए हैं। चले आपसे कुछ आसान पूछ लेते हैं, बिल्कुल आसान पूछ लेते हैं, नौ का पहाड़ा सुना दे। ये नौ का पहाड़ा इंग्लिश में, उर्दू में नहीं सुना पाऊंगा, उर्दू में नहीं याद है, इंग्लिश में सुना दे। 45 में जनाब, 18 के बाद 27 है, देखा ना, रह गया, मेरे ख्याल से वापस चलते हैं। मेरे सवाल चेंज करना। नहीं नहीं, सवाल आप वहीं पर रखें, मैं आपको बताता हूं। मैं मथीरा, अच्छा मैं आपको वजह ही बताता हूं जी, उसकी प्लीज। मथीरा जो है वो पहले ही मुल्क में जाके अपना निकल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखना भी नहीं, वो अपना बहुत आराम से मैनेज कर लेंगी, और वो अपना बिजी होंगी, अपना सैर सपाटा कर रही होंगी। डॉक्टर साहब था, मुझे मसला ये है कि डॉक्टर साहब ने मुझे छोड़ना, उन्होंने कहना वहां से उनकी करना जो दस। तो इसलिए किधर जाना है, किधर जाना है, किंज करना है, ठीक है। तो वो इसलिए मेरे ख्याल से मथीरा रहेंगी, और मथीरा ने अपना निकल जाना, मैं आराम से बैठा रहूंगा। यानी आप पसंद करते हैं कि अपने तौर पर? हाँ हाँ, मैं अपने साथ बड़ा खुश रहता हूँ। जबरदस्त, रैपिड फायर, अरे लास्ट पे जरूर आपके साथ बहुत थोड़े से सवाल है, मजाकरात या गपशप? पहले वाला मजाकरात, अब वाला गपशप, एक यही। अच्छा, वो पहले वाला, ये बाद वाला। अच्छा आंसर है, ठीक है, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट आदमी। कपिल शर्मा या ताबिश हाशमी? यार ये बड़ा टफ है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि दोनों ही कमाल का शो कर रहे हैं। मैं बड़ा ये समझता हूं कि इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन शो कौन कर रहे हैं, होस्ट तो वो ताबिश हाशमी है, और इंडिया के अंदर तो कपिल कर ही रहे हैं। बेहतरीन, पहले वाला जवाब आपने यहाँ पे दे दिया, इंडिया के लिए वो, पाकिस्तान के लिए। हाँ तो ये एक्चुअली मैं दोनों सबसे बेहतरीन, मैं इनमें चॉइस इसलिए करूँ क्योंकि मैं दोनों का शो बहुत एंजॉय करता हूँ। ठीक है, इमरान खान या नवाज शरीफ? किस काम के लिए? बस दो में से एक, पॉलिटिक्स में कह लें, वैसे कह लें, किसी भी हवाले से। इमरान शरीफ। इमरान शरीफ, यहां भी आपने दोनों को रख दिया। नहीं, वो मुझे लगता है कि करण अर्जुन इकट्ठे होंगे तो बड़ा मजा। ठीक है, बाबर आजम या विराट कोहली? विराट कोहली। आतिफ असलम या अली जफर? आतिफ असलम। खलील रहमान कमर या मारवी सरमद?
خلیل الرحمان قمر, میں تو مولوی سمت صاحبہ کو اتنا میں نے دیکھا ہی نہیں ہوں, فالو ہی نہیں کیا ہوا, تو خلیل الرحمان قمر میں ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہا تھا, میرے سے بھی کوئی پوچھتا تو میں نے یہی جواب دیا. میں انسان کو جانتا ہوں, ان کا کام جانتا ہوں, ان کے میرے کام کیوں, میں مولوی سمت صاحبہ کو جانتا نہیں ہوں اس طرح, مطلب میں نے ان کا کبھی کوئی وہ دیکھا نہیں, کوئی کالمز یا کوئی اس طرح کی چیزیں, تو آئی ڈونٹ نو. ویسے بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بہت بہت مزہ آیا گپ شپ کر کے. لاسٹ پہ آپ پبلک کے لیے کوئی بھی میسج دینا چاہیں تو پلیز. کہ آپ حافظ احمد صاحب کا پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیے اور ان کا چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اس کے نیچے ایسی چیزیں میں کبھی نہیں نہ کہتا, میں نے اس لیے میں نے خود میں نے کہہ دی, میں بھی ایسی نہیں کہتا, اس لیے میں نے آپ کے لیے کہہ دی ہے کہ وہ کریں اور کامنٹ کریں اچھے والے, اور تک والے کامنٹس کریے گا, ایمی بے تک کے کامنٹ نہ, مجھے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں لڑکے وہ, اور لڑکے ہی ہوتے ہیں موشن عموماً, وہ سارے جو ایسے کامنٹ کرتے ہیں بالکل ایسے ہی پروفائل جو بھی ہو پیچھے لڑکا ہی ہوتا. ہاں پیچھے لڑکا ہی ہوتا ہے. اور ایک اور چیز جو میں ہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یار اگر کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو کم از کم اپنا اصلی اکاؤنٹ ٹائٹل یا نیم تو بنائے نا. یہ کیا وجاہات 8965453210 یا پیاری گڑیا 98568, یہ کیا بات ہوئی, اتنے مرد مومن بن رہے ہیں تو پھر بات تو صحیح, نام تو صحیح رکھیں نا, پھر بات کریں. بالکل ایسے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.